बॉलीवुड के बाद शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। ईद के मौके पर शाहरुख खान ने पत्रकारों के लिए एक स्पेशल पार्टी रखी। इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख ने बताया कि वो इन दिनों महाभारत पढ़ रहे हैं और अब राम को उससे जुड़ी कहानियां भी सुना रहे हैं। शाहरुख ने कहा कि उन्हें हाल ही में पता लगा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। ये एक खुशनुमा एहसास है। उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का आधा वक्त है जो उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है। शाहरुख ने लोगों की मोहब्बत के लिए शुक्रिया भी अदा किया। शाहरुख खान ने बारिश की वजह से इस बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर मन्नत में नहीं बल्कि एक होटल में रखी थी। मीडिया से बात करने से पहले शाहरुख अपने घर मन्नत में बेटे अबराम के साथ नजर आए और उन्होंने अपने फैंस का अभिवादन किया। शाहरुख ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके घर का गार्डन ही इतना बड़ा हो जाए कि किसी फैन को बाहर ना खड़ा होना पड़े। शाहरुख की आने वाली फिल्म जब हैरी मेट सेजल में आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर शाहरुख ने कहा कि फिल्म में कोई बदतमीजी नहीं की गई है। शाहरुख ने कहा कि फिल्म अभी सेंसर बोर्ड के पास नहीं गई है। अगर फिल्म देखने के बाद सेंसर बोर्ड को आपत्ति होगी तो वो ये शब्द हटा लेंगे। शाहरुख ने कहा कि वो ईद पर कुकिंग करेंगे और बच्चों के लिए पास्ता बनाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ईद पर क्या खाना पसंद है तो उन्होंने कहा कि वो खाने पीने के ज्यादा शौकीन नहीं है। दोस्तों के घर से कुछ ना कुछ आएगा। सलमान के यहाँ से जो बिरयानी आएगी वो खा लूंगा। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें ये फिल्म काफी पसंद आई। उन्होंने ये फिल्म 1.5 बार देखी है, एक बार पूरी और एक बार फर्स्ट हाफ तक। बच्चों के सवाल पर शाहरुख ने कहा कि अगर वो मीडिया में दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक्टर होने के नाते मैं तो मीडिया को हैंडल कर लेता हूं, लेकिन बच्चे डर जाते हैं, इसलिए उनकी तस्वीरें खींचने के लिए जबरदस्ती ना करें और उन्हें जाने दें। शाहरुख खान ने ये भी कहा कि उनके घर में मिनिमम क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और इसके बाद ही किसी को फिल्मों में आने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि सुहाना को ग्रेजुएशन करने में अभी वक्त लगेगा, हालांकि उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी है और वो इसका समर्थन करते हैं। शाहरुख के मुताबिक वो अपनी यात्रा पर एक किताब लिख रहे हैं और जैसी ही ये किताब पूरी होगी वो इसे पब्लिश कर देंगे।